दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है फिर से आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज मैंने मूवी देखी है निशब्दम, जो आज ही OTT प्लेटफॉर्म यानी Amazon Prime पे रिलीज हुई है। देखिए अगर मैं इसमें कास्टिंग की बात करूं तो इसमें आपको आर माधवन, सुबा राजू, अनुष्का शेट्टी, शालिनी पांडे, अंजलि, ये कुछ एक्टर्स हैं जो आपको इसमें मेन लीडिंग रोल और सपोर्टिंग रोल्स में नजर आएंगे। देखिए स्क्रिप्ट की बात करें तो स्क्रिप्ट में एक साधारण सी रिलेशनशिप हमें बताई है जो एक म्यूजिशियन और एक म्यूट आर्टिस्ट के बीच में है। म्यूजिशियन का रोल आपके आर माधवन ने किया है और म्यूट आर्टिस्ट का रोल इसमें अनुष्का शेट्टी ने किया है। दोनों का रोल काबिलियत तारीफ। स्क्रिप्ट जब आगे बढ़ती है तो पता चलता है एक हॉन्टेड हाउस में वो लोग एक पेंटिंग लेने गए हैं, तो कपल और जो आर माधवन है एंथनी गोंजाल्वेस, उनकी डेथ हो जाती है, उनका मर्डर हो जाता है और कहा ये जा रहा है कि वो हॉन्टेड हाउस का तो किसी भूत ने ही उनको मारा होगा। अब इसके पीछे कोई बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है, मिस्ट्री है या सच्ची में कोई भूत है, ये आपको कहानी पूरी तरह से एक्सप्लेन करेगी। देखिए प्लॉट इसमें रिवेंज का है बट हेमंत मधुरकर जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं उन्होंने जिस तरीके से हमारे सामने रिवेंज प्लॉट को हॉन्टेड प्लॉट से मिक्स कर हमारे सामने पेश किया है, दैट इज अमेजिंग। एक ही शब्द है अमेजिंग, फेब्युलस, एक्सीलेंट, ये कुछ शब्द है जो इस मूवी को देने चाहिए। मूवी अगर थिएटर में रिलीज होती तो एक बात तो पक्की थी मेरे दोस्तों कि इस मूवी को एक अवार्ड तो पक्का मिलता और शायद थिएटर पूरी तरह से फट जाते, क्योंकि एक तो आपने थ्रिलर और रिवेंज प्लॉट रखा, ऊपर से पीछे से जो आपने BGM बैकग्राउंड म्यूजिक का जो तड़का लगाया है वो तो और जबरदस्त लगता है। जब कहानी आगे बढ़ती है तो एक डिटेक्टिव आते हैं रिचर्ड डॉकिंस कर, अब वो इस चीज को कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, सबसे पूछताछ कर ली और पता कर लिया कि जो एंथनी गोंजाल्वेस का मर्डर तो कोई नहीं कर सकता, तो आखिर कोई क्यों उसे मारेगा। 50 मिनट के बाद ही मूवी का एक घंटा जैसे ही खत्म होता है तब दूसरे घंटे से ये कहानी शुरू होती है कि अनुष्का शेट्टी और सुबा राजू इन दोनों की जुगलबंदी से ही एंथनी यानी कि आर माधवन को मारा गया। अब क्यों मारा उसकी कहानी ये बताई, क्योंकि आर माधवन ने जो उनकी अनुष्का शेट्टी यानी साक्षी की सबसे अच्छी और पजेसिव दोस्त थी सोनाली यानी शालिनी पांडे, उसको मार दिया जाता है। अब उसको क्यों मारा, इसलिए क्योंकि वो उसके साथ चक्कर चलाना चाह रही थी और आर माधवन ये चीज बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कोई भी स्ट्रेंजर लेडी अपने पति को धोखा देकर उनके साथ सोए, बट वो उन औरतों को जो औरतें अपने पति को धोखा देकर उनके पास आती थी उनको मार दिया करते। किसकी मदद से? रिचर्ड डॉकिंस की मदद से। अब मैं आपको बता दूं कि रिचर्ड डॉकिंस उनका साथ क्यों दे रहे थे, क्योंकि रिचर्ड डॉकिंस की खुद की जो वाइफ थी वो किसी और के साथ चक्कर में थी। आर माधवन यानी कि एंथनी गोंजाल्विस से कहकर उन्होंने अपनी बीवी को भी मरवा दिया था। इन दोनों का सिर्फ यही प्लान था कि जो भी एंथनी गोंजाल्विस यानी आर माधवन के कॉन्सर्ट में आकर उनके साथ आंख मटक्का कर उनके साथ सोना चाहती हैं और अपने पति को धोखा देना चाहती हैं उनको मार दिया जाए, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। यही चीज उन्होंने सोनाली यानी शालिनी पांडे के साथ किया। जब ये अनुष्का शेट्टी और सुबा राजू को पता चला तब उन दोनों ने एक रिवेंज प्लॉट डेवलप किया मूवी में और उन्होंने एंथनी गोंजाल्विस यानी कि आर माधवन को मार दिया। आखिर में आते आते रिचर्ड डॉकिंस को भी अंजलि मार देती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये आदमी कहीं ना कहीं तक सही नहीं है और कहीं ना कहीं ये भी एक क्रिमिनल ही है। देखिए कहानी के आखिर में सबसे अच्छी बात ये है कि एक लाइन हमारे सामने बोली है कि जो प्रेम होता है, जो प्यार होता है, वो हमेशा प्रेमियों को पैदा नहीं करता, कभी अपराधियों को भी पैदा करता है। तो मैं ये कह सकता हूँ एक मिस्ट्री ट्रू थ्रिलर अगर आपको देखनी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए, अच्छी लगेगी। Amazon Prime पर सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आपको इंग्लिश सबटाइटल्स मिल रहे हैं, मलयालम तमिल तेलुगु नहीं भी आती तो आप इसे इंग्लिश में बैठ के समझ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आई है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मैं और अच्छी अच्छी अपडेट्स आप लोगों के सामने मूवी से रिलेटेड ये ट्रेलर रिव्यू से रिलेटेड ऐसा ही लाता रहूं और आपको अपडेट करता रहूं।